हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकल चुकी है, बहुत अच्छी भर्ती है। और दोस्तों, यदि हम सिलेक्शन की बात करें तो इसका जो पेपर आता है वो बिल्कुल आसान पेपर आता है। पहले कुछ जैसे 2018 में या 17 में अपने साथियों ने दिया था तो बहुत अच्छा स्कोर आया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। तो देख लेते हैं किस प्रकार की भर्ती है। और उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हर रोज आपको सही समय पर सही इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में निकली है। कहां पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। और दोस्तों, इस भर्ती की खास बात एक और बता देता हूं कि इन्होंने एग्जाम डेट भी साथ में ही दे दी है। क्या है? एग्जाम डेट भी साथ में देते हैं, यानी कि अभी आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते ही बस आपका महीने 2 महीने में एग्जाम है, आप अपनी तैयारी बढ़िया कर सकते हो क्योंकि एक टारगेट मिल जाएगा आपको। पोस्ट भी बहुत अच्छी है, 841 इसमें वैकेंसी है, 841 इसके अंदर वैकेंसी है। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में भर्ती है दोस्तों। ये क्या है? इंडिया लेवल की भर्ती है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑनलाइन होता आपका, ठीक है। कितने नंबर का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद में लैंग्वेज टेस्ट हो, क्योंकि पूरे इंडिया का है तो भाई दिल्ली में कोई लैंग्वेज बोली जाती है, केरल में कोई बोली जाती है, इस तरीके से जो लैंग्वेज टेस्ट है वहां की, तो एक टेस्ट उसका होगा दोस्तों, ठीक है। यदि हम फॉर्म भरने की बात करें तो दोस्तों, 24 फरवरी से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मार्च है दोस्तों। क्या है? 24 से लेकर 15 मार्च तक आप अपना जो फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यानी कि संभावित परीक्षा तिथि 9 और 10 अप्रैल 2021। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मार्च है और एग्जाम की डेट क्या है? 9 और 10 अप्रैल। यानी कि दोस्तों, आपके पास थोड़ा सा समय है और वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट के पदों पे ये भर्ती है और इसका जो पेपर है ना दोस्तों, बहुत आसान आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है दोस्तों, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं अलग अलग से। ऑल इंडिया में बात करूं तो 800, 850 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। और टेस्ट की जो इसका टेस्ट होगा, टेस्ट लोकेशन भी दोस्तों आपकी ऑल ओवर इंडिया में रहती है, यानी कि हरियाणा में भी सेंटर है, दिल्ली में भी सेंटर है, पंजाब में भी सेंटर है, हर जगह सेंटर अवेलेबल है इसके, ठीक है। और दोस्तों इसमें कुछ वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है, ठीक है, तो फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, रिजर्वेशन दोस्तों पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है ना। एज कहाँ गई? एज तो दोस्तों यहां पे एज आप देख पा रहे होंगे, और जो एज की काउंटिंग है वो 1 फरवरी 2021 इस डेट को की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो, ठीक है। एज कितनी मांगी है? 18 से 25 साल मांगी है, 18 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है, छूट आपको अलग से दी जाएगी। और स्टैंडर्ड छूट आपको पता ही है कितनी कितनी छूट मिलती है, एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ठीक है। आगे चलते हैं जी, और दोस्तों इस भर्ती की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? 10वीं पास। हाँ जी, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों इन्होंने एक स्पेशल लाइन और दी है, जो हायर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट है वो अप्लाई ना करे इसके लिए, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन हो गई हमारी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला हिस्सा है वो है आपका ऑनलाइन टेस्ट,
तो रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंग्लिश है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 230 नंबर 30 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। टोटल दोस्तों 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों जो पेपर है आपका वो दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। इसमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता देते हो तो आपके नंबर कटेंगे सही में से भी, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और उसके बाद में आपका जैसे आप ये टेस्ट पास कर ले तो, और टेस्ट भी दोस्तों आपको हर सेक्शन जैसे रीजनिंग भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी, यानी कि जो चार सेक्शन दिए गए चारों को चारों सेक्शन आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका जो जहां का आपने ऑफिस डाला है, ठीक है, वहां की जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा और वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। टेस्ट सेंटर, तो भाई पूरे हरियाणा इंडिया में ही टेस्ट होते हैं इसके, जगह जगह पे सेंटर होते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, 15 मार्च लास्ट डेट है। और फीस, फॉर्म भरने की फीस कितने लगेगी, तो जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनकी ₹50 फीस लगेगी। और जो अदर है, ओबीसी है, एडब्ल्यूएस है, जनरल है, उनकी ₹450 फीस लगेगी दोस्तों, ठीक है, 450। और ये फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है, ठीक है, फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है। और जो फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन भर के आपको ऑफलाइन कहीं पे जमा नहीं करवाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई क्या कुछ बताया गया इसके अंदर। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और लिखी दोस्तों, जो आपके पास जाति का प्रमाण पत्र है, जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, वो आपका नया होना चाहिए दोस्तों, 2021 का ही। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन साफ साफ लिखी है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, January 1, 2021 इश्यू डेट ये होनी चाहिए दोस्तों, 1 जनवरी 2021 या फिर इसके बाद की, ठीक है, तो ही आपका काउंट किया जाएगा। आगे चलते हैं जी। और यदि आप सभी कमेंट करोगे तो आप सभी के लिए इस भर्ती के लिए स्पेशल कोर्स दोस्तों, टारगेट बैच भी निकाल दिया जाएगा बहुत अच्छे स्टाफ के साथ। बस दोस्तों मेरे हिसाब से यही थी पूरी इंफॉर्मेशन। अब जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी कुछ चीजें रह गई आपके समझने की, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे आपके शहर में या आपके आसपास सेंटर कौन सा है वो भी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने सेंटर दिए तो हैं कि आपके एरिया में सेंटर कौन सा होगा एग्जाम सेंटर। हाँ जी, ये तो वो है दोस्तों, जैसे हो सकता है आपके डायरेक्ट, जैसे हरियाणा है, हरियाणा का नाम ना लिखा हो रिक्रूटमेंट ऑफिस के जगह पे, जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में हरियाणा के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सेम ऐसे ही है न्यू दिल्ली वाला जो ऑफिस, यदि आप सिलेक्ट करते हो मेरे को न्यू दिल्ली में जॉब करनी है, तो दिल्ली हरियाणा वाले यहाँ पे न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं, और जो इसका लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं दोस्तों टेस्ट सेंटर, तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे चंडीगढ़ में चंडीगढ़ मोहाली सेंटर रहेगा आपका, दिल्ली में न्यू दिल्ली के भी हैं, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है। इसी तरीके से हरियाणा में सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, चंडीगढ़ के, न्यू दिल्ली के दोस्तों अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, और दिल्ली भी हरियाणा का ही है, तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुरुग्राम, ये सारे यहाँ पे आप अपना जो है टेस्ट सेंटर आपके एरिया का, आपके स्टेट का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 10वीं पास के लिए भर्ती है, ऑफिस अटेंडेंट के पदों पे लगभग 850 वैकेंसी है, एग्जाम डेट भी इन्होंने बता रखी है 9 और 10 अप्रैल को एग्जाम भी हो जाएगा। फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और अपना फॉर्म भर लीजिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।